हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हल्ला बोल और मैं हूं आपके साथ पूजा कविया। हल्ला बोल में आज हम बात करेंगे फार्मासिस्ट की कमी, जिसकी वजह से मरीज परेशान हैं और इन मरीजों की परेशानी की वजह बन चुका है फार्मासिस्ट की ये कमी। तो यहां पर एम्बुलेंस कर्मी दवाइयां दे रहे हैं। सुना आपने, टुहाना से खबर सामने आई है जहां पर नागरिक अस्पताल में तमाम ऐसी समस्याएं हैं जिससे दो चार रोजाना वहां के मरीजों को होना पड़ता है। आखिरकार क्यों ये बड़ी वजह बनी हुई है, आज इसी को लेकर हम हल्ला बोलेंगे। आप सभी दर्शकों के साथ जुड़ेंगे हम। तो डॉक्टरों की कमी झेल रहे नागरिक अस्पताल में फार्मासिस्ट की कमी समस्या बनी हुई है, मरीजों के लिए परेशानियों का सबब बनती जा रही है। फार्मासिस्टों की कमी के चलते मरीजों को घंटों लाइनों में लगकर दवाइयों के लिए इंतजार करना पड़ता है और कई बार नागरिक अस्पताल की डिस्पेंसरी में फार्मासिस्ट के ना होते हुए जो एम्बुलेंस चालक है या फिर अन्य कोई चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं वो दवाइयां बांट रहे होते हैं, जिससे मरीजों को नुकसान भी हो सकता है। अस्पताल में घंटों लाइन में लगकर दवाई लेने को मजबूर लोगों ने कई बार शिकायत भी की है। मरीजों ने कई बार फार्मासिस्ट भेजकर समस्या से स्थायी समाधान के लिए मांग भी की है। सवाल यह है कि क्या एम्बुलेंस कर्मी मरीजों को दवाइयां दे सकते हैं, वो दवाइयां कितनी सही हो सकती हैं, गलती के लिए कौन जिम्मेदार है, नागरिक अस्पताल की डिस्पेंसरी में फार्मासिस्ट आखिरकार क्यों नहीं है, डॉक्टर्स की नियुक्ति सरकार क्यों नहीं कर पा रही है, डॉक्टर्स की कमी कैसे दूर होगी, कैसे पूरी की जाएगी, क्यों डॉक्टर्स की कमी नागरिक अस्पताल अक्सर झेलते हैं और कब समस्या का समाधान निकलेगा मरीजों को जो रोजाना दिक्कतें आती हैं उसके लिए जिम्मेदार कौन है। कार्यक्रम में आप सभी दर्शक जुड़ सकते हैं। टेलीफोन नंबर्स हम फ्लैश कर रहे हैं, आप इन नंबर्स पे कॉल कीजिए, कॉल करके हमारे साथ जुड़िए, फोन उठाइए, हमें लगाइए और अपने आसपास के इलाकों के जो सरकारी अस्पताल हैं, नागरिक अस्पताल हैं, उनमें क्या क्या चीजों का अभाव है, कौन कौन सी कमियां हैं, क्या डॉक्टर समय पर मिलते हैं, क्या दवाइयां आपको समय पर मिलती हैं, या आपको भी दवाइयों के लिए लंबी लंबी कतारों में लगना पड़ता है और उस लंबी कतार के बाद जब आप दवाई के काउंटर तक पहुंचते हैं तो आपको पता लगता है सामने वाला जो दवाई दे रहा है आपको वो कोई फार्मासिस्ट नहीं है बल्कि वो कोई चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी हो सकता है, वो एम्बुलेंस कर्मी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। मतलब कौन सी दवाई आपको समझनी है या कौन सी दवाई अगर गलत मिल गई आपको, डॉक्टर्स के लिखे हुए पर्चे के अलावा भी अगर कोई दवाई आपको गलती से मिल गई तो सोचिए किसी की जिंदगी पर बना सकती है, क्योंकि उनको नहीं पता, उनका काम है सिर्फ दवाइयां देना लेकिन उस दवाई के साइड इफेक्ट कितने हो सकते हैं ये कौन समझाएगा। बड़ा गंभीर मुद्दा है ये। एमपी शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नमस्कार एमपी शर्मा जी। मैडम देखो जो दिखा रहे हो गरीब लोगों के लिए कितनी मुश्किल हो रही है। बिल्कुल, दिहाड़ी छोड़ के आते हैं, डॉक्टर नहीं होता, डॉक्टर होता है तो हॉस्पिटल की दवाई लिखी जाती है, दवाई एक जैसे भी दे रहे हैं और कुछ तो हिसार के हॉस्पिटलों में एक्सपायरी डेट की दवाइयां भी दे रहे हैं। बिल्कुल, ये सच्चाई है और इसके बारे में मैंने आप दो चार बार पहले भी आपसे कहा है। तो ये हमारे नेता कहाँ गए बताओ, ये स्वास्थ्य मंत्री जी, गृह मंत्री जी, गब्बर सिंह जी, डाकू सिंह जी, फलाने सिंह जी, ये कहाँ गए? ये देश की सेवा के लिए नहीं आए? तीन चार घराने हो रहे हैं कि भाई पार्टी आज हमारी आनी है, कल इनकी आनी है, ताश खेलने वाले की चारों की मतलब टोलियां चल रही है। जी जी, आम जनता के हाथ में तो कुछ भी नहीं रहा, वोट भी नहीं, यूएम से ये भ्रष्टाचार, अब वोटों की जरूरत नहीं हुई, जब काम ही यूएम बदल के मशीनों से करनी है तो फिर आदमियों की जाने की जरूरत क्या? ये आज परसेंटेज वोट क्यों आ रही है? क्योंकि आम आदमी नहीं सोचता है कि भाई हमारा कोई जाने का फायदा नहीं, बाद में इन्होंने बदलना है सदलना है सब कुछ ही नहीं किया हाथ में, तो देश की सेवा के लिए कोई नहीं आ रहा, कोई पार्टी ऐसी नहीं बन रही जो आम नागरिकों की सेवा के लिए, चाहे स्वास्थ्य सेवा हो, शिक्षा हो, बिजली हो, पानी हो, हिसार की समस्या बड़ी भारी रहती है, गलियों के हालात बहुत खराब हो रही, गाँव से भी बेहतर बदतर हो रही है, और जबकि बजट में इनका बहुत बड़ा वो दिखाते हैं। नागरिक हॉस्पिटल हिसार एक बहुत शहर के बीच में अच्छे हालत में बना हुआ है, उस बिल्डिंग को तोड़ के दोबारा दूसरी बिल्डिंग साइड में और जगह पड़ी वहां बनाने के बजाय
इसको कमर्शियल बना के बेचने के चक्कर में बहुत शहर से मतलब 10 किलोमीटर दूर जगह नापने लग रहे हैं। बिल्कुल, वहाँ कौन नागरिक जाएगा? तो देश सेवा के लिए उसके लिए कोई भी नहीं है, न शिक्षा के लिए, न कुछ और। ये मीडिया है, मीडिया के हाथ में है कुछ, जो कुछ दिखा रहे हैं जनता जो देख रही है समझ रही है, तो इसके अलावा और कोई जनता के पास चारा नहीं। बहुत शुक्रिया एमपी शर्मा जी, बहुत वाजिब बात आपने उठाई है। यकीनन कोई सुनने वाला नहीं है, इनकी समस्या को कोई समझने वाला नहीं है। इस बात की गंभीरता को ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि सिर्फ दवाइयां देना ही काफी नहीं है, वो दवाइयां सही पहुंच रही हैं मरीज तक नहीं पहुंच रही, उन दवाइयों को कैसे लेना है, कैसे सेवन करना है, इन सबकी जानकारी कौन देगा? दवाइयों की दुकान पर लंबी लंबी कतार है, ये बताने के लिए काफी है कि कितनी ज्यादा मजबूरी में इस वक्त मरीज या फिर मरीज के जो परिवार वाले होते हैं वो उस वक्त दिखाई दे रहे हैं। सवाल कई, गंभीरता से आप भी इस पर जुड़कर अपनी जवाब अपनी प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाएं। टेलीफोन नंबर हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं, आप इन नंबर पर कॉल कीजिए और बताइए। नागरिक अस्पताल में फार्मासिस्ट के 3 पद हैं जिनमें से 1 कर्मी का तबादला हुआ है, दूसरा रिटायर हो चुका है, जिसके चलते अकेले 1 कर्मी को स्टोर और डिस्पेंसरी दोनों का जो काम है वो संभालना पड़ रहा है। अस्पताल में रोजाना 600 से 700 के बीच लोग दवाई लेने के लिए आते हैं, लेकिन फार्मासिस्ट की कमी के चलते अनेक बार एम्बुलेंस का ड्राइवर हो, स्टाफ नर्स हो या फिर चतुर्थ श्रेणी का कोई भी कर्मी हो, वो दवाई देता हुआ नजर आता है। अस्पताल में मरीज ठीक होने के लिए आते हैं लेकिन घंटों लाइन में लगकर वो और बीमार पड़ जाते हैं। अस्पताल में फार्मासिस्ट की कमी होने के चलते अनेक बार मरीजों को दवाई ही नहीं मिल पाती, जिसके चलते उन्हें बाहर से दवाइयां खरीदनी पड़ती हैं। तो जो दवाई लेने आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि दवाई लेने के लिए उन्हें काफी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है, कई कई घंटे तक उनको खड़ा रहना पड़ता है। सरकार को कर्मचारियों की कमी दूर करनी चाहिए, ये मांग भी उन्होंने उठाई है। साथ ही जो बुजुर्ग हैं वो भी बड़े परेशान दिखते हैं, उन्हें भी लंबी कतारों में लगना पड़ता है। तो जो एसएमओ साहब हैं वो बता रहे हैं कि 3 फार्मासिस्ट अस्पताल में तैनात थे लेकिन 1 का तबादला हो गया, दूसरा सेवानिवृत्त हो गया। उन्होंने बताया कि अस्पताल में 600 से ज्यादा ओपीडी होने के कारण परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। एसएमओ ने यह भी बताया कि समस्या को लेकर उच्च अधिकारियों को लिखा गया है और जल्द वो ये दावा कर रहे हैं कि समस्या का हल हो जाएगा, ऐसी उन्होंने संभावना व्यक्त की है। लेकिन आपको लग रहा है ये एकमात्र ऐसे नागरिक अस्पताल की कहानी है या आपके आसपास के जो भी हॉस्पिटल हैं उनकी भी यही व्यथा है, वो भी इसी कदर मजबूर दिख रहे हैं। बात हम हल्ला बोल की करते हैं, हल्ला बोल में आज हम बात कर रहे हैं नागरिक अस्पताल की। आप एक बार फिर से इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, आज का जो मुद्दा है उसको लेकर हम आपको जानकारी भी दे रहे हैं कि किस तरीके से नागरिक अस्पताल में कमी है फार्मासिस्ट की और परेशानी का सबब बन गया है मरीजों के लिए। फार्मासिस्ट की कमी के चलते मरीजों को काफी लंबी कतारों में लगना पड़ता है, घंटों वो लाइनों में लगे रहते हैं। और बड़ी हैरानी की बात तो ये है कि यहाँ पर जो दवाइयां दे रहे हैं वो कोई चतुर्थ वर्ग का श्रेणी का कर्मचारी है, कोई स्टाफ नर्स है या फिर कोई एम्बुलेंस कर्मी है। क्या आप एम्बुलेंस कर्मी मरीजों को दवाई देंगे? गलती पर जिम्मेदार कौन है? नागरिक अस्पताल की डिस्पेंसरी में फार्मासिस्ट की कमी क्यों इतनी देखने को मिल रही है? डॉक्टर्स की नियुक्ति सरकार कब करेगी? डॉक्टर्स की कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है? राम हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं, नमस्कार राम जी, बताइए क्या राय है आज के मुद्दे पर? पूजा जी नमस्कार। जी नमस्कार, मैं बताना चाहूंगा तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, कैमरा झूठ नहीं बोलता, लेकिन हॉस्पिटल का नहीं पूरे डिपार्टमेंटों का यही हाल है। पद पे मिलते ही कुर्सी पर मिलते नहीं और चक्कर कटवाते हैं इसी तरह, लेकिन यहाँ तो बीमारियों का मरीजों का है। अब जो आपका ब्रेकिंग न्यूज है, हमारे अध्यक्ष जी को दिल्ली दिखाई दे रही है, उसको अपना हरियाणा हरियाणा दिखाई नहीं देता, हमारे सीएम साहब को अध्यक्ष साहब को कि हरियाणा में क्या हो रहा है। हाँ। फिर कहते हैं कि बौखला रहे हैं, भाई आरोप तो आप ईवीएम पे लगा रहे हो, जब आपका बच्चा बच्चा कह रहा है दिल्ली में केजरीवाल जीत रहा है, आम आदमी पार्टी जीत रही है, तो मनोज तिवारी क्या कह रहा है, आप क्या कह रहे हो, आरोप तो आप लगा रहे हो ईवीएम पे, हम थोड़ी लगा रहे हैं, जनता थोड़ी लगा रही है। इसलिए जब जनता आरोप लगाती है उसको बजाय आप मतलब है कि अपना स्पष्टीकरण देने की बजाय उल्टा और आरोप लगाते हैं। हमारे मोदी जी रोजगार देने की बजाय अपनी पीठ सूर्य नमस्कार करके अपनी पीठ मजबूत कर रहे हैं। ये कैसा लोकतंत्र आ गया, आने वाला समय बहुत घातक सिद्ध होगा अगर जनता ने नहीं ध्यान दिया तो। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका राम, जुड़े आप हमारे साथ। बाकी के कॉलर भी जल्द से जल्द जुड़ सकते हैं, समय काफी कम है, जुड़कर हमें बताएं आपके आसपास जो भी सामान्य अस्पताल है, नागरिक अस्पताल है, वहां की स्थिति कैसी है, वहां पर भी क्या इतनी ही समस्या रोजाना आती है, कहीं पर
इलाज डॉक्टर्स के अलावा कोई और कर रहा है, कहीं पर दवाइयां फार्मासिस्ट के अलावा कोई और दे रहा है, मतलब एक किस तरीके की व्यवस्था है। और हम बात करते हैं इसमें सुधार लाने की, कैसे सुधार आ पाएगा और जो इतनी कमी है चाहे डॉक्टर्स की हो या अन्य स्टाफ की, उस कमी को भरने में, उसकी पूर्ति करने में कितना वक्त और लग जाएगा। महावीर शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार महावीर जी, बताइए, राय दीजिए इस मुद्दे पर। नमस्ते मैडम जी। जी देखो, देश का बहुत बुरा हाल है, गरीब आदमियों के कहाँ जाए, दिहाड़ी कम होगी, काम कम हो गए, दवाइयां, बीमारी से एक ऐसी भूखा रह सकता है इंसान, लेकिन बीमारी के लिए तो उसने हॉस्पिटल कोई ना कोई जाना ही पड़ेगा। प्राइवेट के पैसे नहीं तो सरकारी में जाना पड़े, लेकिन सरकार में जाने के बाद कुछ भी नहीं मिल रहा वहाँ। ये अभी दिखा रहे थे आप, हमारे सुभाष बराला जी कह रहे हैं कि बीजेपी जीतेगी दिल्ली में। इन नौ रत्नों को शर्म नहीं आती, खुद हारे हुए और वहाँ दिल्ली के जाके इंटरफेयर कर रहे हैं। पूरे देश में एक केजरीवाल सरकार ही ऐसी है जो कि फायदे में दिखा रही है, और फिर उनपे भी है। तो ये देश को क्या बनाना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान, हिंदू सिख ईसाई, कभी किसी से, कभी जाट आरक्षण, कभी इसके अलावा और कोई वो नहीं। इस देश को सिर्फ आप ये आगे बढ़ाएंगे बीजेपी नॉन बीजेपी, और कोई देश में रहेगा ही नहीं। आज मुसलमानों के साथ हो रहा है, चार चार साल के बच्चे को लिए बैठे हैं, चार महीने को, तो क्या बच्चा को भाई इनको पता है कि नहीं पता क्यों लिए बैठी हो, तो माँ के साथ तो बच्चा रहेगा, तो उनकी दो महीने होने को आया, उसके हालातों को जाके क्यों नहीं ठीक करते। अमित शाह जी घर घर जाके मतलब वोट मांग रहे हैं, और सेना बाग के अंदर जाकर उनसे क्यों नहीं अपने, अगर नीयत साफ है तो साफ अक्षरों में उनका पंडे भाई ये कानून होंगे, ये चीजें मांगी जाएगी जी, बिल्कुल साफ कर दें तो ये उठ जाए। ये तंग किया जा रहा है, अब देश के अंदर सिर्फ बीजेपी और नॉन बीजेपी का सवाल आ जाएगा आगे। ये हारने वाले अपने हरियाणा को नहीं संभाल सकते, हरियाणा में ईवीएम में गड़बड़ी हुई है, 12 सीट का इनका पहले समझौता हो चुका था। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जुड़े आप हमारे साथ। बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े जिन्होंने जो अस्पताल में इस वक्त स्थितियां चल रही हैं उस पर अपनी राय दी है। बहरहाल यही उम्मीद की जा सकती है कि जितने भी पद अभी तक खाली पड़े हुए हैं, जहां पर जरूरत है कि जल्द से जल्द वहां पर जो पोस्टिंग हो पाए, उसको ख्याल रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।